पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड चालू हो गया कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। तो जिन शर्तों को बिहार को पूरा करना है उसमें बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है, इसलिए वो केंद्र की मदद नहीं ले पा रहा है। तो इसे बिहार सरकार ने गलत शीर्ष में जमा कर दिया, तो जो अपनी गलतियां उसको सुधारने के बजाय केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो नई सरकार बनी केवल एक महीना हुआ है, तो क्या पिछले छह महीने से केंद्र बिहार के साथ भेदभाव कर रहा था? बयानवीर में तो जेल भी गया, मैं बयान भी देता हूँ, जेल भी गया हूँ आंदोलन में और मैंने संघर्ष भी किया। आप तो कभी जिंदगी में जेल नहीं गए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, ऐसे में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और महागठबंधन के नेताओं पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन पर गुस्सा फूटा है। पूरा दस्तावेज लेकर सुशील कुमार मोदी बैठे हैं और कह रहे हैं कि पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कब तक रखेंगे, अधिकारियों के साथ बैठिए और समीक्षा कीजिए, फिर कुछ बोलिए। सबसे पहले आप सुशील कुमार मोदी का वो बयान सुनिए, आखिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। सरकार के वित्त मंत्री केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड चालू हो गया कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राशि बिहार को दे रही है, परंतु जिन शर्तों को बिहार को पूरा करना है उसमें बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है, इसलिए वो केंद्र की मदद नहीं ले पा रहा है। 2022-23 में केंद्र ने बिहार के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान कर रखा है, लेकिन वित्त विभाग की जो शर्तें हैं जिसमें PFMS के तहत करीब अभी भी 7,500 से ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है उसका 75% राशि भारत सरकार के संचित निधि में जमा करना है, जिसे बिहार सरकार ने गलत शीर्ष में जमा कर दिया। तो जो अपनी गलतियां उसको सुधारने के बजाय केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। जो वित्त विभाग की नई व्यवस्था बनी है उसके अंदर प्रत्येक केंद्र परायोजित योजना के लिए एक अलग खाता खोलना है, तो वो सारा काम न करके वो केंद्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो अभी तो नई सरकार बनी केवल एक महीना हुआ है, तो क्या पिछले छह महीने से केंद्र बिहार के साथ भेदभाव कर रहा था? देखिए, केंद्र किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करता है, एक तहत फॉर्मूला के तहत मिलता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री विजय चौधरी से आग्रह करूंगा कि अधिकारियों के बरगलाने पर न जाएं और स्तरहीन बयानबाजी न करें। वो करें कि मैं बयानवीर हूं, तो मैं बयानवीर में तो जेल भी गया, मैं बयान भी देता हूं, जेल भी गया हूं आंदोलन में और मैंने संघर्ष भी किया। आप तो कभी जिंदगी में जेल नहीं गए होंगे, इसलिए इस प्रकार की हल्की बयानबाजी न करें। आप वित्त विभाग की समीक्षा करें और जो अपनी गलतियां उसको सुधार करें, तो चाहे वो फिर पेंशन मद की राशि हो या समग्र शिक्षा मद की राशि हो, एक एक पैसा केंद्र की सरकार आपको देगी और केंद्र की सरकार दे रही है, परंतु आप अनावश्यक बयानबाजी ना करें। तो आपने सुना, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार बिहार को देती है और ये प्रावधान भी है और लगातार सहयोग के लिए केंद्र सरकार पहल करती रहती है बिहार के लिए, मगर वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी बैठे हैं, ऐसा सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम अधिकारियों के साथ बैठिए, समीक्षा करिए और उसके बाद कुछ बातों को कहिए तो अच्छा भी लगेगा। वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।